हेलो दोस्तों, अक्सर लोगों को जब सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तब लोग घबरा जाते हैं कि क्या ये हार्ट अटैक का पेन तो नहीं होगा। तो ऐसा हर बार नहीं होता कि सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तब हार्ट अटैक ही हो। कोई और रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। ऐसे कई रीजन्स हैं जिसकी वजह से सीने में दर्द हो सकता है। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीने में दर्द किन किन वजह से, किन किन कारणों से सीने में दर्द हो सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहला रीज़न, अगर हार्ट अटैक है तब तो सीने में चेस्ट पेन होगा। उसमें हमारे पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड में सीने में दर्द हो सकता है या सेंट्रल बीच वाले पार्ट में सीने में दर्द होगा, और वो हमारे गर्दन, कंधे और पीठ और हमारे हाथ में ये रिफर हो सकता है। स्पेशली लेफ्ट साइड में ही होता है। साथ में घबराहट, सांस फूलना, उल्टी जैसा होना, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। आदमी चक्कर खा के गिर भी सकता है, ये हार्ट अटैक का पेन होता है। चेस्ट पेन होने का दूसरा रीज़न है गैस या एसिडिटी। गैस या एसिडिटी की वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है, सीने में जलन होती है और घबराहट जैसा उसमें भी रह सकता है। तीसरा इसका रीज़न ये है कि अगर हमारे फेफड़ों में कफ जमा हुआ है और बहुत दिनों से कफ जमा हुआ है तो भी हमें सीने में दर्द हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। चौथा रीज़न इसका ये है कि अगर कहीं पर ट्रॉमा या इंजरी हुई है हमारी छाती के भाग में, सीने में कहीं पर, तो भी आपको दर्द हो सकता है। कहीं पर आपको चोट लग गई, कहीं पर आप गिर गए और छाती में लग गया तो भी आपको सीने में दर्द हो सकता है। और लास्ट रीज़न इसका ये है कि मस्क्यूलर पेन भी हो सकता है। कोई आपने भारी चीज़ उठा ली, कोई भारी ऐसा काम कर लिया है जिसमें चेस्ट मसल से वो इन्वॉल्व है और काम उतना भारी था, तो उसकी वजह से मस्क्यूलर पेन भी डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है। तो हर बार सीने में दर्द हो रहा है तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। आपको देखना है कि आपको किस वजह से सीने में दर्द हो रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आपको ऐसी कोई शिकायत हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए। Thank you.